किसी ने क्या खूब कहा है कि मौके उगते सूरज की तरह होते हैं। अगर इन्हें पकड़ने में देर लगा दोगे तो फिर ये डूब जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है कि दूसरे अवसर का इंतजार न करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं यह स्टोरी। एक किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी की इच्छा लेकर किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, युवक तुम खेत में जाओ, मैं एक-एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूं। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ ले तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा में लेकर खड़ा हो गया। किसान ने खेत में इस घर का दरवाजा खोला। तभी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैल उसमें से निकला। नौजवान ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतः उससे डर कर नौजवान ने निर्णय लिया कि वह अगले बैल का इंतजार करेगा और वह एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाजा फिर खुला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहले वाला बैल ठीक था। फिर उसने एक और होकर बैल को निकल जाने दिया। दरवाजा तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार एक छोटा और मरियल बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली, ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले। पर ये क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो दोस्तों, हर एक इंसान की जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल है और कुछ कठिन है, पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अतः हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, सही टाइम पर, सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक कहावत है, कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत करता है, पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें और उसे पकड़ें। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और ऊपर वाले के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।